स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं जो कल मैंने आपको सीबीसीएस सिस्टम बताया था, यानी कि जिसे हम सेमेस्टर सिस्टम भी कह सकते हैं, कल इस पे एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद कई सारे कमेंट को मैंने वहां पे देखा, तो उसमें जो ठीक ठाक कमेंट है उनको रिप्लाई दे रहा हूँ मैं। ध्यान से देखो, और जो भी सीबीसीएस सिस्टम को लेकर कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, इस वीडियो का अंत तक देखो। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो जाएंगे और इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सीबीसीएस को लेकर आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको कई तरह की वीडियो मिलेंगी, और उसमें मैंने भी आज कुछ वीडियो देखी है, सब में अलग अलग तरह की बातें भी बताई जा रही है। तो काफी मतलब पीडीएफ वगैरह मैंने डाउनलोड की, हर एक चीज को पढ़ा, तो जितनी चीजें मैं समझ पाया हूँ आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो हमारा 2019 का जो एडमिशन हुआ है, यानी जिसने भी इस सेशन में एडमिशन लिया है, तो एसएल को खुद भी नहीं पता था कि वो इस सिस्टम को इसी साल से लागू कर देंगे, क्योंकि बात पहले से चली थी लेकिन कंफर्म किसी को नहीं था। क्योंकि एसएल ने जो अपना प्रोस्पेक्टस निकाला है, आप प्रोस्पेक्टस भी अगर देखोगे उसका डाउनलोड करके, तो आपको वहां पे कहीं पे भी सीबीसीएस सिस्टम नहीं बताया। फिर इन्होंने जो इनका जो एनुअल वाला सिस्टम होता था, एनुअल एग्जाम होते थे, उसी सिस्टम से आपका एडमिशन कर दिया। आपको जो अगर बुक किसी को मिली होगी, आई थिंक, तो बुक भी अगर आप बुक्स देखोगे अपनी, तो वो भी आपके एनुअल बेस पर ही है। अगर आप फीस देखोगे, जो आपने जो भी फी पेमेंट करी है, तो वही है जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर होती थी, ठीक है, वैसी ही है। यानी एनुअल जो आपके पेपर होते थे उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने कंप्लीट कोर्स आपको दिया, सब कुछ दिया। लेकिन अचानक से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें यह बताया गया कि अब एसओएल में इस साल से सीबीसीएस सिस्टम लागू हो गया, जिसको हम सिंपल भाषा में बोले तो सेमेस्टर सिस्टम बोलते हैं इसको, या फिर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है ये आप ऐसे कह सकते हो। तो एकदम से नोटिफिकेशन आता है और एक नोटिस में पता लगता है कि एसओएल ने इस बार जो 2019 में एडमिशन हुए, यानी कि जो फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन हुए हैं, उन पर ये सिस्टम लागू कर दिया है, ठीक है। यहां से दो कंफ्यूजन किसी के दिमाग में नहीं होनी चाहिए। जो बच्चा सेकेंड ईयर में है इस टाइम पे, या जो थर्ड ईयर में है, उसके लिए कोई चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ मैं आपको बता देता हूँ। मान लो जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे, उन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कर लिया होगा, तो फर्स्ट ईयर एनुअल बेस पे होगा, सेकेंड ईयर एनुअल बेस पे होगा, और थर्ड ईयर अगर सेमेस्टर बेस पे होगा तो मार्कशीट जो होगी वो गड़बड़ हो जाएगी और उससे बच्चे को नुकसान होगा। तो इसलिए किसी को नुकसान तो पहुंचाएगा नहीं एसएल, तो उन्होंने नहीं करा। लेकिन जो न्यू एडमिशन है, जो फ्रेश एडमिशन है, उनके लिए ये लागू हो गया है। तो इसको लेकर कई सारे कमेंट थे, मैं अब एक एक करके सभी के कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये पी पोरू गेमिंग का एक कमेंट आया था कि क्लासेस तो सैटरडे संडे ही लगेगी ना, या बाकी दिन का भी कोई सीन है। तो देखिए, क्लास जो होती है वो इनकी सैटरडे संडे ही होती है, और जहां तक पूरी उम्मीद है ये इसी दिन में रहेगी, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे ये है कि भाई, हम मैंने भी एसएल से ही ग्रेजुएशन करी थी, पर हमारे यहाँ पे एनुअल सिस्टम था और क्लासेज जो होती थी हमारी भी संडे और के दिन ही होती थी, लेकिन मैंने कभी क्लास ली नहीं तो मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बाकी क्लासे इसी दिन होती है। अगला क्वेश्चन है कि भाई ये बताओ, जो एक नया सब्जेक्ट दिखा रहा है एनवायरमेंट का, वे क्या है? ये जो फोर्थ जो चार सब्जेक्ट है उसके साथ होंगे, कुल पांच सब्जेक्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस बच्चे को कंफ्यूजन है, इसने जो एडमिशन लिया है उसमें इन्होंने चार सब्जेक्ट अपने भरे होंगे, चुने होंगे एडमिशन के टाइम पे। अब वहां पे एक एनवायरमेंट जो सब्जेक्ट दिखा रहा है कंपलसरी, इसको लेकर कंफ्यूजन है। तो मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ, एक बार मेरी बातों को ध्यान से सुन। देखिए, कल मैंने आपको वीडियो में एक पीडीएफ दिखाई थी, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने तीन तरह के सब्जेक्ट है, एक तो था डीएससी, और दूसरा आपका था AECC, और तीसरा आपका जो था MIL, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने तीन सब्जेक्ट दिए थे, बीच में आपको दिखेगा यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडी, जो कि आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो एक चीज का ध्यान रखें, मैं यहाँ पे पीडीएफ ले नहीं पाया हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इधर जो आपके सामने ऑप्शन है वो है मैथ है, पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसके बाद एनएचई है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, एजुकेशन है, हिंदी है। यानी कि यहां से आपको ना, इधर से आपको दो सब्जेक्ट लेने हैं, डीएससी में से आपको दो सब्जेक्ट लेने हैं, और कल की वीडियो देख लो, मैंने आपको वहां पे बता रखा है। और एनवायरमेंटल तो आपका कंपलसरी है ही, तो दो सब्जेक्ट यहाँ से हो गए, प्लस एनवायरमेंट एक तीसरा सब्जेक्ट हो गया बस। और यहाँ जो एमआईएल है, आपको यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से उसमें पढ़ेंगे तो आपके सामने लिखा होगा चूज एनी वन, यानी कोई एक चुनना है।
तो यहाँ पे आपको हिंदी, एबीसी, कोई सी भी, तमिल, पंजाबी, उर्दू, ये मिलेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक्स और ये ग्लोबलाइजिंग, इस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स कुछ ऐसे दे रखा है। तो आपको इनमें से एक सब्जेक्ट चुनना होगा। तो आपके सब्जेक्ट तो यहाँ पे चार है, मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये पांचों सब्जेक्ट आप क्यों बोल रहे हो। यहाँ पे चार ही सब्जेक्ट रहेंगे आपके, ठीक है। अगर आपने वहां पे चार चुने हैं और उस टाइम पे एनवायरमेंट नहीं था, जिस टाइम पे आपने सब्जेक्ट चार चुने होंगे, कोई भी चार सब्जेक्ट चुने होंगे, उस वक्त ये सब्जेक्ट आपके सामने नहीं था, जाहिर सी बात है वो उस टाइम पे नहीं था, तो आपको क्या होगा, जो अपना जो डैशबोर्ड है, आप अपने एनरोलमेंट नंबर से डैशबोर्ड में लॉग इन करो और वहां पे जाके अपने सब्जेक्ट देख सकते हो कि आपने क्या चुना है, या जो भी होगा अगले नोटिफिकेशन का वेट करो। ऐसा किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये जो हो रही है ना समस्या, ये एक के साथ नहीं बल्कि सभी के साथ है। क्योंकि शुरू में एसएल ने किसी को नहीं बताया था कि ऐसा हो जाएगा, अब हो गया है तो कोई बात नहीं, सब कुछ सही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आपके सब्जेक्ट नहीं बढ़ रहे हैं जहां तक इनका नोटिफिकेशन बता रहा है, और हो सकता है भविष्य में बदलाव हो जाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता रहता। अब देखो एक कमेंट है यहाँ पे कि सर ये सेमेस्टर सिस्टम एनसी वेब के लिए भी है या नहीं, ठीक है। तो आपको जवाब दे दूं मैं आपको, एनसी वेब की अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो आपके लिए भी लागू है, ठीक है, क्योंकि रेगुलर में तो पहले से ही था और जो चेंजेस था वो एनसी वेब और एसएल के लिए है, तो ये हर जगह हो जाएगा सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम। और इसके बाद एक कमेंट है सोना जी, सर बीए प्रोग्राम के हिस्ट्री और पोल साइंस की वीडियो बना दीजिए न्यू सेमेस्टर की। तो बच्चे मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दूंगा, एक पोल साइंस वाली प्लेलिस्ट का और एक हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख लें, क्योंकि जो टॉपिक है मेनली वो टॉपिक कवर कर रखे हैं, ठीक है। और कुछ जो रह रहे हैं वो मैं सेमेस्टर के अकॉर्डिंग बना दूंगा, जो बचे हुए टॉपिक है, ठीक है। हिस्ट्री में मतलब जैसे आठ बनाई है मैंने वीडियो, उसमें से छह चैप्टर लगभग आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग है, दो चैप्टर एक्स्ट्रा हो रहे हैं सेमेस्टर के हिसाब से एक्स्ट्रा हो रहे हैं, वैसे पहले तो वो थे सिलेबस में, अभी भी रहेंगे, ठीक है। तो वो हो सकता है कि वो दो चैप्टर आपके अगले किसी सेमेस्टर में मिले, तो जो बचे हुए दो हैं वो मैं बना दूंगा, और बाकी पॉलिटिकल में भी सेमेस्टर के अकॉर्डिंग बना के प्लेलिस्ट तैयार कर दी जाएगी। इसके बाद है एनसी वेब का बीए प्रोग्राम का सिलेबस कहाँ से मिलेगा रीता, तो इसका जो आपको जो भी मतलब सिलेबस होगा आप एनसी वेब की वेबसाइट पे सर्च करिए, आपको एनसी वेब का एनसी वेब पे ही मिलेगा, ठीक है, एसओएल में नहीं मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखें। सोनाली कोहली, सर एक बात बताना कि सेमेस्टर की बुक कब लेने जाएंगे डीयू में, क्योंकि 1 सितंबर से क्लास स्टार्ट होगी, प्लीज बता दो। देखिए आपको अगर आपने सोल में एडमिशन ले लिया है और आपको बुक मिल गई है, और वो भी बुक मिली है एनुअल के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए आपको क्या है कि आपको क्लियर बता रखा था उन्होंने एसओएल वालों ने कि आपका जो सेमेस्टर वाइज स्टडी मटेरियल होगा वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, और वो वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है बुकें, तो आप जाके वहां पे डाउनलोड करो ना, कल की वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाओ, वहां पे मैंने बताया कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो बुक, वहां से आप पीडीएफ में डाउनलोड कर लो। फिलहाल ये तो आपका सॉफ्ट कॉपी हो गया एक तरह से, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी कैसे मिलेगी, ये एसओएल ही बताएगा कि आपको आपकी बुक जो आपको दे चुके हैं उसके अलावा आपको सेमेस्टर वाइज देंगे या नहीं देंगे या कब तक देंगे, इसकी अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, हार्ड कॉपी की कोई जानकारी नहीं है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक वेट करो। अगला है दीपक का मैसेज, सर जी सिलेबस तो चेंज नहीं होगा। भाई देखो सिलेबस में आपको बता दूं, शायद मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी, मैंने देखा है उसमें कई सारी वीडियो मैं देख रहा हूँ बना रहे हैं, उसमें बता रहे हैं सिलेबस चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, कई तरह की बातें बता रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं, मैंने जो पोल साइंस ऑनर्स और बीए प्रोग्राम का जो सिलेबस देखा है, मैंने एनुअल वाली बुक में से सेमेस्टर वाली बुक को मैच करा, ठीक है, टॉपिक मेनली वही है सारे, बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि सेमेस्टर में आपके टॉपिक थोड़े कम हो गए, यानी कि टॉपिक आपके कम हो गए, और वो जो टॉपिक है आपको शुरू के सेमेस्टर के लिए कम हो जाएंगे, लेकिन अगले सेमेस्टर में आपको जो बचे हुए टॉपिक थे वो आगे मिलेंगे, यानी कि सिलेबस देखा जाए तो चेंज नहीं हुआ सिलेबस, बस सिलेबस ये हो गया कि जो पहले एनुअली में फर्स्ट ईयर में आता था, हो सकता है वो आपको किसी सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में मिले। आई होप आपको शायद समझ में ना आए बात, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की मेरे पास एनुअल बुक पड़ी हुई है फिलहाल, उसमें एक बुक है उपनिवेशवाद वाली, यानी कि जिसको कॉलोनिज्म और इस तरीके से कहते हैं, तो वो जो था पहले यानी कि लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में था वो सिलेबस, यानी फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे उसे। अब आप अगर आप नए पैटर्न में देखोगे तो वो आपको नए पैटर्न में नहीं दिखेगा, आई थिंक आपको
किसी दूसरे सेमेस्टर में दिखेगा, शायद वो पांचवें सेमेस्टर में है। तो पांचवें सेमेस्टर में मतलब टॉपिक तो वो है बट वो किसी और सेमेस्टर में चला गया है, ठीक है। तो ये है, तो इसके लिए आपको ये सिलेबस का कंफ्यूजन दूर करने का मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। दुनिया भर में भटकना बंद करो, सीधा सीधा जो सेमेस्टर वाइज बुक अपलोड करी है SL के द्वारा, उस बुक को डाउनलोड कर लो PDF, और वहां पे जो टॉपिक है वो पढ़ लो, उतना ही आपके लिए काफी है। इसके अलावा राइटर की बुक आती है, आप राइटर की बुक लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो आपकी मर्जी है, ठीक है, सीधा वहीं से लो। आगे है रोशन शर्मा सर, एनवायरमेंटल स्टडी कंपलसरी हो गया है तो क्या आप एनवायरमेंटल स्टडी की भी वीडियो बनाएंगी? भाई देखो, यस और नो में जवाब नहीं दिया जा सकता, कुछ नहीं पता, डिपेंड करता है टाइम पर, और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है। टाइम मिला तो बन भी सकती है और टाइम नहीं मिला तो बन भी नहीं भी बन सकती, तो कोई गारंटी नहीं है, पर कोशिश करेंगे अगर कुछ अच्छा हो पाए तो। दीपक कौली सर, सोल फर्स्ट ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। व्हाट्सएप ग्रुप, भाई व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाने बिल्कुल ही बंद कर दिया, हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, लास्ट ईयर तक था। हमारे जो सारे ग्रुप है हमने टेलीग्राम पे भेज दिए हैं, ठीक है, यानी व्हाट्सएप की जगह अब हमारे जो ग्रुप है वो टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप है, आपको लिंक एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, एक टेलीग्राम ग्रुप की वीडियो भी दे दी जाएगी, आप उस वीडियो को देखें और समझें कि कैसे ग्रुप में ऐड होना है, वहां पे ऐड हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, आई होप आपको इन क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। सब्जेक्ट जो है आपके चार ही शो कर रहे हैं, और नई बुक जो है आपको PDF में अवेलेबल है, हार्ड कॉपी कब मिलेगी नहीं पता कुछ भी, ठीक है, SOL बताएगा। फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई होगा ओनली। और हाँ एक चीज, ये CBCS सिस्टम में ये होता है कि पहले आपको मार्क्स मिलते थे ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अब, आपको क्रेडिट मिलेगा, यानी कि आपको ग्रेड वगैरह दिए जाएंगे उसमें, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और आपकी परसेंटेज भी जैसे पहले निकाली जाती थी उस तरीके से नहीं निकाली जाएगी, जैसे आप 10th क्लास में देखते हैं ना CGPA होता है, समझ लीजिए कुछ ऐसा ही आपका सिस्टम हो गया। आई होप आपके कंफ्यूजन शायद इस वीडियो में कुछ दूर हो गए हो तो बता दो कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।